तू अब क्या लेने आई है यहाँ पे? मैं बात करने आई हूँ तुझे। बात? तुम जैसे धोखेबाजों से कोई बात नहीं करनी मुझे। धोखेबाजी छोड़ दी है मैंने, इसलिए तुझे भी समझाने के लिए आई हूँ। अच्छा, अपनी दाल नहीं गली तो मेरी हांडी की खबर लेने आई है? वाह भाई, जिंदगी के हल्की सी ठोकर ने मुझे तो इस बात का एहसास दिला दिया कि अगर आप किसी के साथ बुरा करना चाहते हो ना, तो आपके साथ खुद बुरा हो जाता है। मैंने तेरा बुरा करना चाहा और देख, मुंह के बल ही गिर गई। इसलिए तुझे समझा रही हूँ सहर, जो कुछ भी हुआ ना, जितना बुरा तूने किया, अब बस कर दे, बहुत हो गया। अभी भी वक्त है कि तू सबसे माफी मांग ले, और खास तौर पर मीरा से। क्या तेरा दिमाग तो नहीं खराब हो गया? माफी और मैं, वो भी उस मीरा से? वाह भाई, क्योंकि मुजरे मैं तू उसकी। उसने तुझे अपने घर में रखा था, तुझ पर इतना बड़ा एहसान किया, तूने एहसान फरामोशी का मुजाहरा करते हुए उसके घर में ही आग लगा दी, उसके वजूद को कई हिस्सों में बांट दिया। बस बस, मुझे ये सारी तेरी बातें नहीं सुननी। पता नहीं कौन सी किताब घोल कर पी के आई है। जिंदगी की ठोकर से बढ़कर ना और कोई किताब नहीं होती। तुम्हारी सारी बातें एक तरफ, लेकिन मुझसे उम्मीद मत रखना कि मैं उस मीरा से माफी मांगूंगी। जिद छोड़ दे सहर, अभी भी वक्त है तेरे पास। ये घर मीरा को सौंप कर तू साइम की जिंदगी से हमेशा के लिए चली जा, इसी में तेरी बेहतरी है। वरना वरना क्या कर लेगी? तू डरा रही है मुझे। तुझे पता है ना समीना, तेरे शौहर ने भी यही करने की कोशिश की थी, और आखिर में क्या हुआ? उल्टा अंजाम उसे ही भुगतना पड़ा। पड़ गया ना बिस्तर पे। और अब तू, तुझे नेकी का भूत चढ़ा है। वैसे भी मुझे ब्लैकमेल करने के लिए अब कोई चीज नहीं है तुम्हारे पास। उस फोन के साथ साथ मेरे खिलाफ सारे सबूत खत्म हो गए। आखिरी बार पूछ रही हूँ मैं तुझसे सहर, तू सब कुछ छोड़ के मीरा की जिंदगी से जाएगी या नहीं? नहीं। ठीक है, बहन है तू मेरी, इससे फिक्र हो रही थी तेरी, इसे समझाने के लिए आ गई। लेकिन अगर तूने नहीं समझना तो मैं देख लूंगा। क्या देख लेगी तू? उस मीरा के पास जाकर मेरी सारी सच्चाई बताएगी? जा बता दे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ेगा सहर, जब मैं उसको सच बताने के साथ साथ सबूत दूंगी ना, तो जरूर फर्क पड़ेगा। जब मैं उसको बताऊंगी कि किस तरह तूने उसकी जिंदगी में जहर घोला, उसका बच्चा जाया कराया, दादी को तूने सीढ़ियों से गिराया, तो फर्क पड़ेगा। तू कर ले अपना यह शौक भी पूरा, लेकिन कौन सा सबूत? इमरान के फोन के साथ साथ सारे सबूत भी खत्म हो गए। सबूत इमरान के फोन से गया था, मेरे फोन से नहीं। वो रिकॉर्डिंग जिसमें तूने सब गुनाहों का इतराफ किया है ना, मैंने बहुत पहले इमरान के फोन से अपने फोन में डाल ली थी, और इस बात का इमरान को भी नहीं। वो रिकॉर्डिंग निया को देकर मैं तो अपनी जमीर की नजरों में सुरखुर हो जाऊंगी कि मैंने सच का साथ दिया, बहन का नहीं। Hi guys, it's me, Mini Butt. And this is me, Ramsha Khan. And you are at the M&M.